हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान कोचिंग चैनल पे। बच्चों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फार्मूले इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। शायद मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज देख सकते हो, फटाक से देखो, 2x की स्पीड में देखो, लेकिन देखना जरूरी है। मैं इतना गारंटी बोलूंगा, ये फार्मूले करने से आपके 36 नंबर 100% इसमें से 30 मार्क्स ले सकते हो, ये गारंटी है 100%। 20 साल से पढ़ा रहे आपको बापना सर भी पढ़ा, जैसे आए थे चैनल पे, 31 ईयर उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। आप सोच सकते कि कितना 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 इंपॉर्टेंट फार्मूले दे रहा हूँ। और एक चैप्टर के बहुत सारे नहीं है बेटा, 3-4, 4-5 फार्मूले, बस वो करो 100%, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो, एक मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला बेटा, नंबर वन, ये मैग्नेटाइजेशन में लिखा है मैंने एम नेट पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला बेटा करंट इन एरिया, ये पता होना चाहिए कि नहीं है, मुझे बताओ लाभ है ना, डिवाइड बाई, तो ये नंबर सब टर्न है, तो ये लिखो। ये रेडियस है बेटा, साइक्लोट्रॉन देखा होगा, एम वी बाई क्यू बी, क्यू इज द चार्ज, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ जो भी आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, वेलोसिटी, या ई वी आर बाई टू, एम ऑर्बिटल। एक ये म्यू का फार्मूला याद होना चाहिए, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, ऐसे लिखते हैं इसको, झाई वन टी वन, ऐसा फार्मूला था, झाई टू टी टू। इसमें से 3 वेरिएबल देंगे, एक निकालने के लिए बोला, तो झाई टू के ऊपर सवाल आता कभी कभी, तो ये झाई वन टी वन बाई टी टू होता, या कभी कभी झाई वन बोला है तो आपको झाई टू है ना, यहाँ पे टी टू बाई टी वन, यह आना चाहिए यार, घुमाना आना चाहिए। ये झाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, काय बोलते, कोई झाई बोलते, कोई खाए बोलता है, क्या क्या बोलते क्या मालूम। देखो, इसके तो 4 ही फार्मूले दिए, अगर ये नहीं आ रहे भाई, कसम से पढ़ना छोड़ दो। 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओनली 4 फार्मूले दे रहा हूँ, सॉरी 4 फार्मूले दिया, एक तो बी एल वी, एक तो ई एम एफ का फार्मूला। अब इसका क्वेश्चन तो ऐसा था, फाई की वैल्यू देते बेटा है ना, 7t² + 6t + है ना 2, ऐसा दिया है, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये आना चाहिए ना, है ना, डी बाई डी टी है ना, ये फाई की वैल्यू डाल दो, 7t² + 6t + 2, तो ई इज इक्वल टू देखते हैं, ये 14, और ये टी की वैल्यू 2 है ना, ये 6 है, हो गया, तो ये हो गया था 28 + 6 जो भी है 34, मेरा गलत हुआ तो ध्यान मत दो इधर, नहीं तो सर आपका गलत हो गया। भाई मैं फास्ट करके दे रहा हूँ यार, बता रहा हूँ कितना इजी है। एक है मैक्सिमम ईएमएफ है बेटा, 2πf, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, बी एन ए। अब यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है तो क्या फर्क है, सेल्फ एल लिख भाई एम की जगह पे, लेकिन ध्यान रखना इसमें अगर यह सेकेंडरी का ईएमएफ है तो करंट प्राइमरी का होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, एक ही कॉइल है, यहाँ 2 कॉइल्स है, अगर प्राइमरी का ईएमएफ बोला तो क्वेश्चन में आ सकता है एम डी आई, ये सेकेंडरी में करंट होगा चेंज, तो ये पता होना चाहिए यार, यूटिलाइजेशन करना आना बहुत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक और मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे तरफ से ये टर्न रेशियो कहते हैं इसको, क्या कहते बेटा, ये टर्न रेशियो है ना, ये एक टर्न रेशियो दे रहा हूँ आपको, एक ऐसे ही लिख के दे रहा हूँ ताकि शायद इसके ऊपर सवाल आए तो आना चाहिए, ठीक है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन, ये 4 है फार्मूले, मुझे लगता है कि बहुत कम दे रहा हूँ, क्या है 5 दिए बेटा, 5 एक्चुअली यार, ये एक ही है रिएक्टेंस है, तीनों भी रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जैसा, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, जेड इम्पीडेंस है, एक रेजिस्टेंस जैसे, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, बस एक EMF दिया है, बाकी कुछ नहीं बच्चों। तो इसका यूटिलाइजेशन आया तो आपको फार्मूले के ऊपर, नहीं भी आया तो भैया फार्मूला तो लिखो, गिवन डेटा तो पुट करो, नंबर आएंगे। अब इसका देखो, ओमेगा का फार्मूला कितने लोगों को पता है, 2πf, तो ये 2πfL होगा बस, यहाँ कैसे लिखोगे अभी, ये भी 2πfC, क्या है यार, क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा, इम्पीडेंस होता है, अब कभी इसमें XL इज इक्वल टू XC होता है, तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू R होता है, डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, और सवाल का आंसर जो होता है वो सवाल में ही होता है, R देते बोलते Z इम्पीडेंस बोलो, लेकिन बोलते ये रेजोनेंस कंडीशन है, तो XL इज इक्वल टू XC, जो आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो सवाल में ही था, ऐसा भी होता है। कितना ईजी बच्चों, EMF E नॉट साइन ओमेगा टी, कितना ईजी फार्मूला है बेटा, है ना। उसके बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के कुछ सवाल है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं बाजू में हट रो में, है ना। काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला ये है, ओके। एक बात बोलो बच्चों, ये सब ये फार्मूला और ये फार्मूला,
ये तीनों फार्मूले को रिलेटेड है। कुछ नहीं बच्चों, एक ही फार्मूला यार, दिमाग की बत्ती जलाओ। सिंपल सी बात है, कोई एक मेटल सरफेस है, इस पर कोई लाइट आ रही है, तो इसके पास प्रोटॉन्स के पास एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होते, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन, एंड रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। बेटा ये तीनों फार्मूला एक ही है, दिमाग की बत्ती अगर जल गई तो फायदा है। मुझे लगता है कि ई ये यहाँ पे वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ये मैक्स होती है, इसका फार्मूला होता बेटा एच न्यू, ये इधर लाए तो एच न्यू नॉट इसका फार्मूला था, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स है बेटा, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स। अरे बेटा ये की फार्मूला है, बस समझ में आना चाहिए, एच ये न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स इज इक्वल टू ये एच, है ना, न्यू की वैल्यू होती है सी बाय लैम्डा एच सी, देखो ये वन बाय लैम्डा नॉट, क्या समझ में आ रहा है। अरे भाई ये सब एक ही चीज है, तीनों एक ही फार्मूला है, और लैम्डा क्या होता है एच बाय पी, है ना, एच। अब इसका ये तो पता होना चाहिए मास इनटू वेलोसिटी, अब ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला था शायद आपको पता हो, तो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एम, तो ये रूट में आता है। अरे यार क्या बोले, इतना सिंपल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला लगाते हैं, और वेवलेंथ निकालना है या एंस्ट्रॉन्ग यूनिट में है, ए एंस्ट्रॉन्ग यूनिट बेटा, ये कभी कभी आपके बुक्स में 1.228 नैनोमीटर में लिख सकते हैं, तो घबराओ मत यार, दिमाग की बत्ती जरा सा लगाना चालू करो, इतने ईजी फार्मूले है, ये तीनों फार्मूले एक ही है एक्चुअल में, ये दूसरा तीसरा बस चौथा, चार ही फार्मूले रियल में देखा जाए तो, लेकिन दिमाग की बत्ती हो तो ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट है ना, एप्सिलॉन एस स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर, है ना, पाई ये जेड, जेड इज द, हमारे पास हमेशा हाइड्रोजन आइटम है तो जेड नहीं लिखा तो भी चलता, जेड इज इक्वल टू वन होता, लेकिन इसके ऊपर सवाल ऐसा रहता आर एन, ये आर वन एन स्क्वायर बेटा, समझ में आ रहा, ये देते हैं कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितना ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सवाल आता है, ये तो ठीक है याद करने के लिए, लेकिन बता रहा हूं यहां पे भी इसके ऊपर सवाल आता है ई एन इज इक्वल टू ई वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, समझ में आ रहा है, या माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर, समझ पा रहे हो आप, ये समझ पा रहे हो बेटा, ये समझ पा रहे हो, समझ पा रहे ना, कुछ नहीं बेटा सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, ये यंथ ऑर्बिट होता है, मतलब इनर ऑर्बिट है, देखो यहाँ पे बाद में थोड़ा अंतर कम करो और करो और करो, तो बेटा ये n इज इक्वल टू वन लिखते हैं, n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू थ्री, ऐसा अभी लैमन सीरीज बोलते तो आप n इज इक्वल टू वन लिखते यहाँ पे, और कहाँ से जम कर रहा है, थर्ड में से, फोर्थ में से, फिफ्थ में से, वो m होता है, ध्यान आ रहा है, ओके, ये हाफ लाइफ पीरियड बेटा 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड क्या है यार, वेलोसिटी का फार्मूला है, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल है, बस है ना, ये एक्टिविटी जो भी फार्मूले थोड़े से याद करो बस, बाकी कुछ नहीं, तो ये पी टू के पूरे फार्मूले दिए मैंने, पी टू के पूरे फार्मूले दिए है, अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं बैक, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट पीरियड का फार्मूला है। अब एक बच्चे ने मुझे पूछा सर आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ही दिया नहीं था, लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही फार्मूले दिए थे, सर फ्रीक्वेंसी का इसमें एक भी सवाल नहीं है, और आपका सवाल आया ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैंने बोला भैया तू एक काम कर ले, तेरा पेपर भेज, पेपर भेजा मैंने, बोला मैंने जो दिया था वो भेजा उसने, बोला भैया फ्रीक्वेंसी बस इसी फार्मूले को उल्टा करना था, अब तेरे पास बिल्कुल ही दिमाग नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अरे पीरियड और फ्रीक्वेंसी उल्टे फार्मूले होते हैं एक दूसरे के, बाकी कुछ नहीं यार, अब क्यों, मतलब दिमाग की बत्ती जला के करना पड़ता है। ये फार्मूला मुझे लगता है कि पहले भी बताया मैंने, याद होगा, अभी भी बता रहा हूँ, है ना, यहाँ पे एन ए आई बी, इसको ही म्यू कहते, म्यू बोलते इसको, म्यू या कैपिटल एम बोलते, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो करंट है आई को बाहर निकालता, ठीक है, जितना करंट फ्लो होगा उतना कॉइल का डिफ्लेक्शन होगा, मैंने बताया था आपको बेटा, ये है कोई स्ट्रेट कंडक्टर रहा तो इसके मैच मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय टू पायर होती है, और ये दो वायर वैसे करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
अगर अपोजिट हो तो रिपल्शन होता है, दोनों के बीच में अंतर डी है, तब फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई डी। और सोलेनाइड रहा तो ये फार्मूला, सोलेनाइड पता है ना बेटा, एक पाइप होता है इसको वायर वाउंड करते हैं, याद होगा आप लोगों को, ऐसा देखा होगा, तो ये होता है। लेकिन इसी को अगर आप ट्रॉइड बनाओगे, ऐसा गोल बना के वायर वाउंड करोगे, ऐसे ऐसे वायर वाउंड करोगे बेटा, ये दिमाग की बत्ती जलाने, यन होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेकिन इसकी लेंथ कैसे बेटा, गोल, गोल मतलब टू पाई आर। यही फार्मूला देखो आप कैसे लिखोगे ट्रॉइड के लिए, म्यू नॉट ठीक है यन, देखो स्मॉल यन की टू पाई आर और ये आई, समझे क्या आ गया कि नहीं मेरे ट्रॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अरे भाई सब कुछ आपके पास है, भूल गए हो, बाकी कुछ नहीं है, समझे क्या आप, फार्मूला बनाना आना चाहिए। कुछ चैप्टर के थोड़े से एक्स्ट्रा फार्मूले दिए बोले, जरूरी था इसलिए, ठीक है। करंट निकालना है, ये आपको तो सभी को पता होगा शायद, के वी एल बोलते इसको, के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला, एक्चुअल में ये और ये एक ही फार्मूला है बोला, एक ही फार्मूला है, सही में बता रहे हैं हम, सही में बता रहे हैं, ये और ये एक ही है, बस पी निकालना तो इसको इधर लेके गए थे, बस थोड़ा सा चेंजेस है, दो सेल को कंपेयर करना है सम और डिफरेंस मेथड। बेटा इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कंपेयर कैसे करें सेल का, समझ में नहीं आता कि ये फार्मूला कब, ये कंपेयर बोला तो यही करना है हमेशा, बट जहां पे असिस्ट टू ईच अदर ऐसा वर्ड आता है, असिस्ट टू ईच अदर और अपोज, ये दो वर्ड आते हैं, तब ये फार्मूला इस्तेमाल करें, कितना इजी भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है यस इज इक्वल टू आर एल वन माइनस एल टू डिवाइड बाई एल टू, है ना। सेंड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकालना है, ये करंट निकालना है तो, और ये अननोन रेजिस्टेंस है किसका, वोल्ट मीटर का, ठीक है ना, इसके लिए फार्मूला है। इसमें भी बहुत सारे फार्मूले करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का फार्मूला है डी वी बाई डी एफ पी साइन थीटा, यहाँ पे टॉर्क है बच्चों, ये गलती से हो गया, टॉर्क है, टॉर्क टॉर्क है, समझो यहाँ पे टॉर्क चेंज करके लेना, ठीक है ना, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, करके लेना उसमें। यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये विदाउट इलेक्ट्रिक मतलब निकालना है, मतलब डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटर का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट बाई टी, क्योंकि के इज इक्वल टू वन होता है एयर में, ये सिंपल पता होना चाहिए। अब ये कैपेसिटर सीरीज में रहे तो ये, लेकिन अगर दो ही रहे तो फार्मूला बेटा सी वन सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू, देखो करके आता है कि नहीं, अरे सिंपल कुछ मेथड लगाने की कोशिश करो। अगर सीरीज में आइडेंटिकल हो तो सी बाई एन फार्मूला लगा दो, ये टेक्निक है बस, है ना। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है तो 1 बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी या 1 बाई टू सी वी स्क्वायर, 1 बाई ये जो भी 1 बाई टू क्यू, आपको जो लगाने थोड़े से फार्मूले देख के लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे फार्मूले मत लगा, है ना बेटा, ये सिंपल सिंपल, ये C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, सी वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा बोलते थे, बस ऐसा बोला है वो नंबर, है ना, ब्रेविस्टर लॉ, ये लॉ वो लॉ दिए हुए, विड्थ दी वाली है, साइन आई बाई साइन आर, ये क्या फार्मूले क्या है बेटा, ये पढ़ लो आप लोग, है ना। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं, है ना बेटा। इसके ऊपर तो सबसे इजी और कातिल एग्जांपल होता है, मुझे बहुत पसंद क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। 0.05 एक साइन 2π 200t माइनस यक्स बाय आई थिंक 3 था, इसमें सवाल पूछा था पहले एम्पलीट्यूड निकालो, तो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन बेटा, ये यही इक्वेशन से फटक से लिख देता हूँ यहीं पे, ताकि समय बच जाए, ठीक है ना, मुझे कोई एग्जांपल पढ़ाना नहीं है। और हमने ये मॉडरेटर सेशन में लिया था, एक ही जगह पे 0.05 ये मीटर में है, तो देखो इसके लिए आधा मार्ग बेटा। बी एग्जांपल है बेटा यन के जगह पे कौन है, फ्रिक्वेंसी पूछा था तो 200 हर्ट्ज है, आधा मार्क मिला। सी वेवलेंथ पूछी थी, ये है 3 मीटर। और डी पूछा था बेटा वेलोसिटी, तो यन इंटू लैम्ब्डा था, तो वी इज इक्वल टू यन है बेटे मेरे पास ये, और ये 3, तो वी इज इक्वल टू 600 मीटर प्रति सेकंड। यार इतना मतलब देख के ही इसका आधा मार्क, डायरेक्ट देख के जो आंसर होता है इसका आधा मार्क होता है, और इसके लिए डेढ़ मार्क दिए वाला, गिवन डेटा पुट किया इसको आधा मार्क, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो गया है, समझ पा रहे हो ना यार, बहुत ईजी है, सही मैं बता रहा हूँ। तो वी इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा, अरे ये तो ऑलरेडी कितने बार हो रहा है, इसी को हमने ऐसा लिखा सी इज इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा, है ना।
ये ओपन के लिए, क्लोज के लिए। अब ये पता होना चाहिए, एंड करेक्शन रहा तो यल की वैल्यू होती बेटा यल प्लस, है ना, ई। अगर हमारे पास बोध ओपन एंड तो ये होता है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं यल प्लस 0.3 डी, और इसको लिख सकते हैं यल प्लस 0.6 डी, क्योंकि टू ई है। तो ये सिंपल सिंपल है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एन इज इक्वल टू 1/2 पाई एल रूट ऑफ टी बाई टी इज द टेंशन। ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो कैपिटल एम बाई एल है। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों? ओके, सिंपल चीज है। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीलेशन। इसमें भी बहुत ही इजीजी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जिसको आता है, 1 2 3 चीजें आनी चाहिए। सही बोल रहा हूँ? अरे भाई एक ही फार्मूला है, इसी के ऊपर आ गया है। देखो इसको इधर लेके जाओ, देखो ये एक्सेलरेशन था ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी से निकाल ले एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये ओमेगा इज इक्वल रूट ऑफ के बाई एम, के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट पता होगा, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन, रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड एंगुलर वेलासिटी का फार्मूला है, और आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है रूट ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए1 ए2 कॉस फाई वन माइनस फाई टू, या डेल का फार्मूला है टेन इनवर्स ए1 साइन फाई वन प्लस ए2 साइन फाई टू डिवाइड बाई ए1 कॉस फाई वन प्लस ए2 कॉस फाई टू, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx² है, और काइनेटिक एनर्जी का 1/2 k ब्रैकेट में ए² माइनस ए² टोटल एनर्जी 1/2। अब इससे टोटल एनर्जी निकालना आना चाहिए कि नहीं, मुझे बता बोला 1/2 kA² आता है, एडिशन नहीं आती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल बाय जी। ओके, हाय भाई क्या तीन ही फार्मूले इस है, फार्मूले और भी, लेकिन इसी के ऊपर ज्यादा सवाल आता है। वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, ये है शायद आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ बेटा। किसी सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ऐसा ये पिस्टन, इसी को हीट देने से ये पिस्टन ऊपर गया बेटा, ठीक है ना, हीट देने से। तो क्यों हीट दी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, यहाँ से वर्क डन हो गया बेटा, है ना, चेंज इन वैल्यूम होने से। तो क्या लिखोगे, हीट दे दी थी तो इसमें चेंज इन वर्क डन हो गया और इंटरनल एनर्जी जी बढ़ गई, यही फार्मूला। या इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इन मैग्नेटिक फॉर्म, और ये वर्क डन, ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक ही तो मतलब है। ओके, बस P1 बाय P2 इज पावर 1 माइनस गामा, और T2 बाय T1 रेस्ट टू गामा। आपको थोड़े प्रोसेस पता होने चाहिए, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, बस। तो ये तीन फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये चैप्टर में थोड़ा सा फार्मूले ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ज़्यादा है बोल के, बस थोड़ा सा। ये मीन एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, ओके, आरएमएस। अब इसी को बस स्क्वायर करो, थोड़ा सा याद रखो ना, देखो स्क्वायर बोला है, आरएमएस बोला है, इसलिए स्क्वायर करो, है ना। रूट लिखा है, मीन मीन लिखा है, स्क्वायर भी लिखा है ना। ये दूसरा एक आरएमएस का फार्मूला बेटा, रूट ऑफ 3 RT/m0, और काइनेटिक एनर्जी पर केजी लिखा है तो 3/2 RT/m0 है। मेयर्स रिलेशन बेटा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और बस ये गामा का रेशियो सीपी बाय सीवी, मतलब ये स्टीफंस लॉ पता होगा आपको, ठीक है ना। और ये है लास्ट का क्वेश्चन सबका, न्यूटन्स लॉ को, और एक मैं लिख के देता हूँ, ये एक इसको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, एक मेरे तरफ से फार्मूला, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। ओके बच्चों, बहुत इजी थे भाई, भाई बात चार ही फार्मूले। हाँ, वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, सरफेस एनर्जी का रिलेशन टेंशन के साथ। एक्सेस प्रेशर 2T/r, बेटा ड्रॉप आया तो, लेकिन बबल आया तो 4T/r आना चाहिए, बबल बबल हो जाता है डबल, सिंपल है। यहाँ पे हाइट बोला, टेंशन बोला, कुछ भी बोलो ना यार, आपका दिमाग तो उतना तो चलना चाहिए ना। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4T/r, और यहाँ पे ये हाइट कैपिलरी की, कितना पानी ऊपर जा रहा है या फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, ये निकालते। टेंशन निकाले तो क्या कर सकते, HRG डिवाइडेड बाई 2 cos θ। देखो यही फार्मूला मैंने घुमाया, टी तो इधर गया, नीचे आ गया, क्या यार, सिंपल सिंपल बात है। इस चैप्टर में थोड़े से फार्मूले ज़्यादा लगेंगे, पहला चैप्टर होने के कारण, ठीक है ना, पहला चैप्टर इसलिए थोड़ा सा है। सेंट्रीपिटल फोर्स फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूले क्वेश्चन में, बाद में ऑक्सीलेशन में, हर चैप्टर में काम में आए थे, इसलिए इसमें ज़्यादा दिए, बाकी कुछ नहीं है, जानबूझकर ज़्यादा दिए, क्योंकि ये हर चैप्टर को सपोर्ट। देखो ये हमेशा फार्मूला आया था, बहुत बार आया बेटा, आया कि नहीं आया, सही से बोलो, है ना। तो बस इसीलिए वी मिनिमम रूट ऑफ RG बाय μs, मैक्सिमम जैसे कि हॉरिजेंटल कर्व रोड होता है μrs,
पीरियड का 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी कोनिकल पेंडुलम, टेंशन ऑफ एनी पोजीशन इसका किसी का भी निकाल सकते हैं, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है भाई। किसी ने पूछा कि टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन बोलो, तो कॉस थीटा 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी। किसी ने बोला सर हाईएस्ट पोजीशन पे निकालो, तो 180 180 माइनस होता है बेटा, तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस 1 होता है ना इसकी वैल्यू, तो माइनस ही किया। टेंशन ऑफ द मिड पोजीशन 90, तो ये होगा बेटा एम वी स्क्वायर बाय आर मिड पोजीशन, पता होना चाहिए। यहाँ पे भी जनरल फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पोजीशन मिनिमम इतनी, इससे ज़्यादा भी रह सकती है ना, मिड पोजीशन 3 आर जी, और हाइएस्ट पोजिशन जो है हाइएस्ट पोजिशन वो था आर जी, तो इससे निकाल लाना चाहिए जनरल। अगर आपके पास रिंग रही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और डिस्क रही तो एम आर स्क्वायर बाय 2 है, दोनों ध्यान में रखने के लिए। रिंग मास सेंटर ऑफ एक्सिस से दूर होता है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ना। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बेटा, आई ओ इज इक्वल टू आई सी एम एस स्क्वायर, आई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक ही प्लेन में होना चाहिए। टॉर्क का फार्मूला है ना, और रोलिंग मोशन, इससे एक फार्मूला आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एक फार्मूला लिख के लो ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो फार्मूले है हर बच्चा गांव का हो शहर का हो कहीं का है, हर बच्चे ने ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। और थैंक यू ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, उम्मीद से जो बच्चे सीईटी करना चाहते हैं सीईटी के लिए अपने टॉपर प्लस बैच पीजीएमएन ऐप पे मिल जाएगी, पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, बहुत इंजॉय करने वाले हैं वहाँ पे, पीवाईक्यूज लेने वाले ज़्यादा से ज़्यादा, और जो सीईटी में आ सकते क्वेश्चन वही ले रहे हैं। चलो बाय, जय हिंद जय भारत।